मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज सेवन क्लास के ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। तो उससे आज हम समझेंगे लाइफ इन डेजर्ट, यानी रेगिस्तानी क्षेत्र जो है उनमें जनजीवन कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दो एग्जांपल दिए गए हैं, तो डेजर्ट इन सहारा एंड डेजर्ट इन लद्दाख, एक शुष्क रेगिस्तान है और एक जो है ठंडा रेगिस्तान है। तो इससे पहले हम पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि बिना पानी के लोग जो है प्राणी किसी का भी रहना जीवित रहना संभव नहीं, सर्वाइव नहीं कर सकते, ना ही पेड़ पौधे ये जो है सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पर बिना पानी के भी लोगों ने अपने आप को जो है जीवन के अनुकूल बनाया, उन्होंने अपना रहन सहन किया और अपने तमाम जो है एक्टिविटीज जो है जारी रखी ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले सहारा डेजर्ट की, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ये काफ़ी शुष्क है और ये नॉर्थन अफ्रीका में पाया जाता है। इसमें लगभग 11 देश जो है जहाँ पर ये रेगिस्तान जो एरिया है इसको टच करता है, 11 कंट्रीज है, 11 देश जो इस रेगिस्तानी क्षेत्र में आते हैं, सहारा रेगिस्तान क्षेत्र में। ठीक है, अल्जीरिया, छड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरिटेनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और वेस्टर्न सहारा, तो ये 11 कंट्रीज जो है ये रेगिस्तान क्षेत्र में सहारा रेगिस्तान क्षेत्र में आते हैं। अगर क्लाइमेट की बात करें लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो बारिश यहाँ पर बहुत कम होती है, बहुत कम पीरियड के लिए शॉर्ट जो रेनी सीजन जो है बहुत शॉर्ट होता है, काफ़ी अल्प समय में जो है बारिश होती है, उसके बाद बारिश नहीं होती। और ज़्यादातर जो क्लाउड है क्लियर स्काई होता है क्योंकि बारिश कम होती है, इसलिए बादल भी नहीं होते ज़्यादा, आसमान ज़्यादातर क्लियर रहता है। और टेम्परेचर जो है दिन के टाइम 50 डिग्री से ज़्यादा पहुँच जाता है, यहाँ पर 57 डिग्री भी टेम्परेचर जो है नोट किया गया 1922 में, एक जगह पर जहाँ इतना मतलब हाई टेम्परेचर भी नोट किया गया 1922 में। तो दिन में टेम्परेचर जो है 50 डिग्री हो जाता है और रात में जो है टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है, बिल्कुल फ्रीजिंग जमाने वाली ठंड जो है यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब सब जगह रेगिस्तानी क्षेत्र ही है, प्लेट्यूज भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं, रॉकी क्षेत्र भी है इसमें सहारा में, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना वेजिटेशन ज़्यादा नहीं हो पाती क्योंकि, और जिस प्रकार की वेजिटेशन होती है उनमें जो कांटे वाली होती है जिनमें पानी को मतलब कम इवेपोरेट हो पाता है और ताकि दूसरे जानवर जो जीव जंतु उनको खाने ना पाए, इसलिए इन पेड़ों पर इन वनस्पति में जो है कांटे आते हैं, कांटेदार वो वनस्पति पाई जाती है। ज़्यादातर जो वनस्पति पाई जाती है उनमें कैक्टस, डेट पाम्स, एसासिया, कुछ जगहों पर जहाँ पानी कहीं कहीं दिख जाता है तो वहाँ पर थोड़ा एरिया जो ग्रीनरी हो जाता है, हरा भरा क्षेत्र होता है, वहाँ पर लोग रहते भी, वहाँ लोगों की बस्तियाँ भी होती है, जिससे ओसिस का हो जाता है। तो ओसिस वाले एरिया में यानी रेगिस्तान वाले क्षेत्र में डेट और पाम्स जो है इस तरह की वनस्पति ज़्यादातर पाई जाती है, घेरे हुए हैं। अगर जीव जंतु की बात करें तो यहाँ पर केवल्स, हाइना, जैपाल, फॉक्सिस, स्कॉर्पियंस, स्नेक्स, लिजर्ड, ये जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ के रहने वाले लोगों का जनजीवन है ज्यादातर यहाँ पर जो है नोमेडिक ट्राइबल सोसाइटीज के लोग रहते हैं, जिन्होंने अपने आप को इस हार्श क्लाइमेट में यानी मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने आप को जो है रहना सीख लिया है। और वो जो लोग हैं रहने वाले उनमें दो ग्रुप रहते हैं, जो बेडोइस और त्वारे, ये नोमेडिक ट्राइबल सोसाइटी है, अर्थात जो आदिवासी लोग होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो ये दो ग्रुप हैं, बेडोइस और त्वारेस, ये लोग जो है जानवर पालते हैं जिनमें गॉड्स, सीप, कैमल्स, हॉर्सेस और जानवर भी से पालते हैं ताकि उन्हें मिल्क, हाइड्स और हाइड्स यानी कि चमड़ा जो लेदर होता है जिससे कि बेल्ट बनाई जाती है, स्लीपर्स बनाए जाते हैं और इसके अलावा वाटर बॉटल्स भी बनाई जाती है, तो यूज की जाती है। इनके बाल जो है जिन जानवरों के उनसे मैट्स, कारपेट्स, कपड़े, ब्लैंकेट, संबल ये बनाए जाते हैं। वो क्षेत्र जो ओसिस का क्षेत्र है जहाँ पर पानी की मात्रा कुछ होते या नील नदी जो सबसे बड़ी नदी है मिस्र की, नील घाटी, वो जो है उसके कारण लोग जो वहाँ पर रह पाए हैं, जो सपोर्ट करते हैं लोगों को रहने के लिए, लोगों का सेटलमेंट नील नदी के कारण या कुछ ओसिस जो बने हुए हैं उनके कारण कुछ लोग वहाँ पर रहते भी हैं। और वो लोग जो है वहाँ रहते हैं जहाँ पर पानी थोड़ा बहुत अवेलेबल होता है, पानी अवेलेबल होता है वहाँ पर लोग रहते हैं और वो ऐसी जगह पर जहाँ पानी थोड़ा बहुत अवेलेबल होता है वहाँ
पेट पांच उगाते हैं। फसलों की यदि बात करने लगे तो राइस, वीट, बारले, बीन्स, चावल, गेहूं, बाजरा, फली ये उगाते हैं। और इसके अलावा इन क्षेत्रों में जब से तेल की खोज हुई है इन देशों में जिनमें अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, तो इस कारण से दुनिया भर में तेल की डिमांड ज्यादा होने लगी, जिसके कारण ये देश की इनका महत्व बढ़ गया। ठीक है, तेल की खोज से ये देश की इसकी डिमांड बन गई। और इसके अलावा कुछ और मिनरल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनमें कि आयरन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, यूरेनियम। ठीक है, और यहाँ का जनजीवन भी पूरी तरह चेंज हो चुका है। अब जो रेतीले जगह थे, रेगिस्तानी क्षेत्र जो चारों तरफ दिखाई देता था, अब वो वहाँ का जनजीवन जो है लोगों का चेंज हो चुका है। अब रेगिस्तानी क्षेत्र उस रेतीली जगह के स्थान पर जो है चमकदार शीशे वाली बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनने से हो गई हैं, जिनमें टावर, मस्जिदें, सुपर हाईवेज बन रहे हैं। जो कभी पहले कैमल्स की लंबी कतार दिखाई देती थी रेगिस्तानी क्षेत्र में, अब वहाँ पर बड़े लंबे लंबे हाईवे, सुपर हाईवे बनने से हो गए हैं। ठीक है, प्राचीन समय में जहाँ पर कभी कैमल्स दिखाई देते हैं, वहाँ पर हाईवे बन रहे हैं। और वही द्वारे जो ट्राइबल सोसाइटी है, जो आदिवासी लोग हैं, वो गाइड बन रहे हैं। जो वहाँ के टूरिस्ट जो आते हैं, फॉरन टूरिस्ट, उनको जो है गाइड बनकर अपनी जो जीविका चलाते हैं। तो लाइफ वहाँ पर चेंज हो चुकी है काफी। ठीक है, तो ये तो सहारा रेगिस्तान की बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कोल डेजर्ट इन लद्दाख। लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर में है, जो हमारे इंडिया में पाया जाता है, ये भी डेजर्ट कहा जाता है, लेकिन ये ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है, इसे डेजर्ट कहा जाता है लेकिन ठंडा। ये हमारे देश के हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, ईस्टर्न साइड में, जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न साइड में, यानी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। और इसके पूर्वी क्षेत्र में ही काराकोरम की जो है नॉर्थ साइड में काराकोरम की पहाड़ी रेंज है, पहाड़ी श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, जंसकर माउंटेन्स है जो कि साउथ में है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी नदियां भी बहती है इस क्षेत्र में हमारे लद्दाख में, उनमें मेन नदियां पर इंडस यानी सिंधु नदी है। इसके अलावा कुछ ग्लेशियर भी है इस क्षेत्र में बहुत सारे, उनमें से एक ग्लेशियर जो है गैंगरी ग्लेशियर है। और चूंकि हाइट जो है यहाँ पर कहीं ज्यादा है, कहीं ऊंची है, कहीं कम है, उस हिसाब से हाइट के हिसाब से जो है बदलती रहती है। कारगिल की अगर ऊंचाई बात करने लगे हम, तो कारगिल की लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई है, जबकि काराकोरम की जो पहाड़ी रेंज है वो 8000 मीटर की ऊंची पहाड़ियां है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइट बहुत ज्यादा है, इस वजह से क्लाइमेट जो है बहुत कोल्ड है, कोल्ड एकदम, और भी एकदम शुष्क जमाने वाली सर्दी यहाँ पर पड़ती है। बहुत ठंडा मतलब वातावरण है, जलवायु बहुत ठंडी होती है, और दिन का तापमान जो है गर्मी के महीनों में यहाँ पर लगभग 0 से थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन रात में टेम्परेचर जो है -30 डिग्री से नीचे पहुंच जाता है, जो कि सर्दी के महीनों में, सर्दी के मौसम में -40 डिग्री हमेशा ही बना रहता है। सर्दी के महीनों में तो ये नाइट का टेम्परेचर जो है -40 डिग्री से नीचे रहता है। ठीक है, बारिश यहाँ पर बहुत कम हो पाती है, इसलिए वेजिटेशन भी ज़्यादा नहीं हो पाती, लगभग हर साल लगभग 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती है। इसी कारण से यहाँ वेजिटेशन भी कहीं नहीं पाई जाती है। और यहाँ पर ऐसा भी देखने मिला है कि यहाँ पर बहुत जमाने वाली हवाएं भी चलती हैं, और तपा देने वाली गर्मी यानी सन की जो सनलाइट है, सूर्य की रोशनी, एक ही समय में आप ठंडी जमा देने वाली हवा और तपा देने वाली गर्मी भी महसूस कर सकते हैं, जिससे कि सन स्ट्रोक की समस्या यहाँ बनी रहती है किसी एक व्यक्ति को। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ऊपर पहाड़ियों पर हो तो ठंडी ठंडी जमा देने वाली हवा और टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर, दोनों एक साथ जो है एक ही टाइम में आपको महसूस करने को मिलेगा, जिसके कारण सन स्ट्रोक की समस्या हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर क्योंकि क्लाइमेट जो हार्श क्लाइमेट है, इसलिए वेजिटेशन भी ज़्यादा नहीं होती है। कई कई छोटे छोटे पैचेस ग्रासेस के हैं, छोटे छोटे कई है घास मिल जाती है, जो कि जानवरों को चराने के लिए मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ गर्मी के मौसम में जो है कुछ फल उगाए जाते हैं, जिन्हें एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, यानी एप्रिकॉट यानी आलू, एप्रिकॉट को दूसरा फल है, वॉलनट्स यानी अखरोट। और इसके अलावा जो पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं, रॉबिन्स, रेड स्टार्स, स्काई बेटल, स्नो को, रेवन, हुको है। और जानवरों की बात करने लगे तो वाइल्ड बर्ड्स, वाइल्ड शीप, याक और एक स्पेशल टाइप ऑफ डॉग्स की स्पेसीज यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर जानवर पाले जाते हैं वो ज्यादातर मिल्क के लिए, मीट के लिए और उनकी खाल के लिए, चमड़े के लिए इस्तेमाल पाले जाते हैं। याक के दूध से जो है यहाँ पर जो है
चीज और बटन बनाया जाता है और उनके बालों से जो है ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं, लोग जनजीवन की बात करें, यहाँ लोग भी रहते हैं इसी खास कंडीशन में, तो ज्यादातर यहाँ संख्या जो है मुस्लिम और बौद्ध धर्म के मानने वाले संख्या ज्यादा है और बौद्ध धर्म के लोग ज्यादा मानने वाले हैं। इसके यहाँ पर बौद्ध की मोनेस्ट्रीज भी यानी मठ भी पाए जाते हैं। मठ जो है उनमें गोपास, हेमिस, थिक्से, साय और लामायुरु, ये जो है बौद्ध मठ पाए जाते हैं। गर्मी के मौसम में यहाँ के लोग जो है जो फसल उगाते हैं उनमें बारले यानी बाजरा, पोटेटो, आलू, मटर, पीस और टर्निप यानी सब्जम जो है ये उगाते हैं। लेकिन सर्दी के मौसम में चूंकि हार्श क्लाइमेट होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो लोग जो है कुछ काम नहीं करते, इसलिए वो ज़्यादातर अपने फेस्टिवल या सेरेमनीज में बिजी रहते हैं, सेरेमनीज या फेस्टिवल्स मनाते हैं। लद्दाख में कुछ जो रोड जो लद्दाख है वो रोड और एयर यानी हवाई मार्ग से भी दोनों से जुड़ा हुआ है, यानी वायुयान से भी प्लेन से भी वहाँ पर जा सकते हैं और वाई रोड भी जा सकते हैं। जो सबसे बड़ा हाईवे है यहाँ पर फर्स्ट ए, जो लेह और कश्मीर को जो है जोजी ला पास, जाजीरा पास जो है उसके थ्रू उससे होता हुआ जो कश्मीर से मिलाता है, हाईवे फर्स्ट ए जो है वो जोजीरा पास से होता हुआ कश्मीर से जाकर मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के लोगों ने जो है प्रकृति के साथ अपना तालमेल बनाना सीख लिया है और वो प्रकृति के साथ मिलकर रहते हैं, उसको बर्बाद नहीं करते बल्कि उसको बैलेंस करना उन्होंने सीख लिया है। यहाँ पर कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, पानी को संरक्षित कैसे किया जाता है और जो चीज़ें बर्बाद होती है उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उनको यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो बर्बाद नहीं होती है। इससे यहाँ के लोगों ने अपने आप को काफ़ी चेंज किया है, मॉडर्नाइजेशन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया है, लोगों का जनजीवन चेंज हो चुका है, मॉडर्न हो चुके हैं और इसी कारण से यहाँ लोग जो है टूरिस्ट वगैरह लोकल वाले, इसके कारण वहाँ के टूरिस्टों के लिए भी जीविका का जो टूरिस्ट गाइड होते हैं उनके लिए जीविका का साधन बन गया है। ठीक है, ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, ये लास्ट चैप्टर जो ज्योग्राफी का मैंने समाप्त कर दिया। इससे जुड़े हुए कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कॉल करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।